बिस्मिल्ल रन रही असल डियर स्टूडेंट्स अली स्मार्ट गाइड में आप सबको हुशामदीद कहा जाता है हमारे पास रेशो सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है सिक्स ईयर्स अगो द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अली एंड बाबर वाज सिक्स रेशो फाइव फोर ईयर्स फ्राम नाउ द रेशो ऑफ देर एजिज वी अलेवन रेशो टेन वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि छः साल पहले अली और बाबर की एजेस की रेशो सिक्स रेशो फाइव थी और चार साल बाद उनकी एजेस की रेशो अलेवन रेशो टेन होगी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा है कि बताइए अली और बाबर की प्रेजेंट एजेस क्या है friends, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स हम सपोज करते हैं कि जो अली की प्रेजेंट एज है ये है एक्स और इसी तरह बाबर की जो प्रेजेंट एज है वो है वाई अब छह साल पहले जो अली की एज थी वो थी मौजूदा एज उसमें से छह साल कम रेशो जो बाबर की एज थी वाई उसमें से छह साल कम इन दोनों की जो रेशो है छः साल पहले वो थी सिक्स रेशो फाइव हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस सिक्स इज डिवाइडेड बाय वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इज डिवाइडेड बाय फाइव इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है फाइव इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू वाई माइनस सिक्स फर्दर फाइव एक्स माइनस थर्टी इज एकवल टू सिक्स वाई माइनस थर्टी सिक्स और हम इसको लिख सकते हैं फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ है वो है फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स इसको हम देते हैं क्वेश्चन वन का नाम अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक फोर इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि चार साल बाद अब चार साल बाद उनकी एज की रेशियो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है तो अगर अली की मौजूदा एज एक्स है तो चार साल बाद इसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस फोर रेशियो बाबर की एज अगर वाई है तो चार साल बाद इसकी एज हो जाएगी वाई प्लस फोर इज इक्वल टू इनकी एज की जो रेशो थी वो थी अलेवन रेशो टेन हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई वाई प्लस फोर इज इक्वल टू अलेवन इज डिवाइडेड बाई टेन और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है टेन इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू अलेवन इंटू वाई प्लस फोर हमें हासिल होगा टेन एक्स प्लस फोर्टी इज़ इक्वल टू अलेवन वाई प्लस फोर्टी फोर और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है टेन एक्स माइनस अलेवन वाई इज इक्वल टू फोर्टी फोर माइनस फोर्टी और हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा टेन एक्स माइनस अलेवन वाई इज इक्वल टू फोर इसको हम देते हैं इक्वेशन टू का नाम अब भी स्ट्रेंड्स इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन टू में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हासिल होगा इक्वेशन टू माइनस टू इंटू इक्वेशन वन तो हमें हासिल होगा टेन एक्स माइनस अलेवन वाई इज इक्वल टू फोर और इक्वेशन वन को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा टेन एक्स माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व जब हम इसको सब करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो हमें हासिल होगा वाई इज़ इक्वल टू सिक्सटीन अब इक्वेशन वन के मुताबिक फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स था यहाँ हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे हमें हासिल होगा फाइव एक्स माइनस सिक्स इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस सिक्स फाइव एक्स माइनस सिक्सटीन टू सिक्स आर नाइन्टी इज इक्वल टू माइनस सिक्स सॉरी सिक्सटी टू सिक्स आर नाइन्टी सिक्स तो हमें हासिल होगा मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस नाइन्टी सिक्स तो यहाँ से हमें फाइव एक्स की वैल्यू हासिल हो जाएगी फाइव एक्स इज ठू नाइन्टी और एक्स की वैल्यू हमें हासिल होगी 90 डिवाइडेड बाय 5 जो कि बनती है 18 तो डियर स्टूडेंट्स एक्स हमने सपोज किया था अली प्रेजेंट एज तो अली की प्रेजेंट एज है 18 इयर्स और वाई हमने सपोज किया था बाबर प्रेजेंट एज तो बाबर की जो प्रेजेंट एज है वो है 16 इयर्स डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही इन शाला तला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ वालेकुम